क्या होगा? हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 31 मई दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन सोमवार है, भोले शंकर भगवान का दिन है, भोले शंकर भगवान की पूजा अर्चना करें। मित्रों और कमेंट में जय भोले शंकर भगवान लिखें, भोले शंकर भगवान आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। आज चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति जो विद्वान होते हैं उनकी चर्चा पूरे विश्व में होती है, हर एक कोई विद्वान की तारीफ करता है और विद्वान व्यक्ति की संगत में रहना चाहता है, वही मूर्ख व्यक्ति की कहीं पूछ नहीं होती। मूर्ख व्यक्ति केवल अपने परिवार के बीच अपना महत्व साबित करने में लगा रहता है और मूर्ख ना व्यक्ति कोई इज्जत नहीं करता। मूर्ख व्यक्ति सदा अपनी मेहनता के गुणगान अपने मुंह से करता रहता है। मूर्ख व्यक्ति सदैव अपने दूसरों को ऊंचा एक सर्वमान्य व्यक्ति मानने की कोशिश में दिखाई पड़ता रहता है। और चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति विद्वान होते हैं वह ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं और व्यक्ति मूर्ख होता है वह व्यक्ति मूर्ति में भगवान को ढूंढता रहता है। चाणक्य जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति हमेशा तर्क बातों में करता रहता है, मगर जो व्यक्ति विद्वान होते हैं वह किसी की व्यर्थ की बात को लेकर वितर्क नहीं होते। इतना ही नहीं, चाणक्य जी का कहना है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह दुनिया को एक सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं, मगर जो विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह दुनिया को कभी सीमित नहीं मानते। मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के पाचांग के बारे में। पाचांग 31 मई दिन चल रहा है, सोमवार, तिथि चल रही है छठे नक्षत्र, चल रहा है श्रवण, ऋतु चल रहा है ग्रीष्म पक्ष, चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 5:24 पर और सूर्यास्त होगा 7:15 पर। आज का शुभ समय 10:16 से 11:44 तक। आज का अशुभ समय 2:19 से 3:36 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 7 है और भाग्यशाली दिशा उत्तर है और भाग्यशाली रंग गुलाबी है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशि फल के बारे में। राशि आज का दिन अनुकूल होगा, काम में देरी हो सकती है और पारिवारिक में समनुकूल रहेंगे और सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। बड़ी बहन से उपहार प्राप्त होगा, दूसरों को का सम्मान जरूर खरीदेंगे और रिश्तेदारों से मिलना होगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, वहीं आर्थिक स्थिति बेहतर बनने के लिए, मगर आप बेवजह खर्च करेंगे तो उसे परहेज करें और आपको एक लिए बेहतर रहेगा। व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ेगी, कुछ सामाजिक व धार्मिक कार्यों में मंदी रहेगी और उस पारिवारिक अशांति रूप से विशेष आशंका होगी। कुछ स्वास्थ्य में उत्तम परिणाम देखने को भी मिलेंगे और आज का दिन शिकायतें दूर करनी होगी, उन्हें पूरा समय देंगे। बाहर कहीं नौकरी के अवसर कुछ समय बाद देखेंगे और सफलताएं भी मिलेंगी। कारोबार बड़े निवेश होंगे, तैयारी होगी, युवा वर्ग मनपसंद कोर्स भी करेंगे, करियर संबंधित पढ़ाई पर भी फोकस करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर कमर दर्द परेशान कर सकती है, खास तौर पर महिलाएं इसके लिए सावधान रहें। घर को लेकर भावनात्मक फैसले लेने होंगे, कोशिश करें कि निष्पक्ष निर्णय लें और पारिवारिक सभी का सहयोग भी मिलेगा। कारोबारिक वर्ग में ईम समझदारी लाभ आएगी, पुराना अब फायदेमंद होगा, इसका लाभ उठाएं, किसी का दिया हुआ उधार वापस मिल सकता है। युवा वर्ग आत्मविश्वास से बचना होगा और कैरियर पर फोकस करें, फिलहाल ग्रह की स्थिति अच्छे मुनाफे का इशारा करेगी। नैतिक व सामाजिक क्षेत्रों में जुड़े जातकों को मान सम्मान कुछ हानि की आशंका होगी, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। छात्राओं को अपनी एकाग्रता बनाकर रखनी होगी और कठिनाइयां होगी, ससुराल पक्ष से आपको कुछ हद तक सफल भी होंगे और जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रणता होगी। माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, भाई बहनों के संबंध मधुर होंगे, पारिवारिक द्वारा किसी साकेत मिलेंगे, किसी परिचित को
आप अपने कुछ अप्रिय समाचार मिलेगा और आपको व्यस्त कर सकता है। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन विशेष सहायक रहेगा और व्यापार में धन की प्राप्ति होगी, विलंब होगा, आर्थिक स्थितियां तनावग्रस्त रहेंगी और आय व्यय में संतुलता बना के रखनी होगी। धन अपव्यय से बचें और किसी व्यय सहयोगी से भी बचने आपकी हानि की हो सकती है। स्वास्थ्य, दुर्घटना, चोट लगने के योग सावधानी से बनाए रखें और आप उन कार्यों को पूरा करेंगे जिन्हें कुछ तरंगों के बाद आसानी से पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। बच्चों की भावनाओं को विचार के बारे में जानने के एक अवसर प्राप्त होंगे और आप अपने गुस्से को सोच शांति में नियंत्रण करें, प्रगति करें। आपको काम में नए विचारों के साथ ही सभी प्रशंसा मिलेगी। आज आपको किसी बड़ी चिंता से मुक्ति मिल सकती है जिसके कारण मानसिक शांति का अनुभव मिलेगा। कार्य क्षेत्रों में आज का दिन संबंध सावधान होंगे और अपनी बाड़ी को नियंत्रण व कठोरता न आने दें और पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। सोच समझ कर खर्च करने से बचें और दिन अच्छा रहेगा। किसी की नए परिजनों को शुरू करने से पहले एक बार वरिष्ठ या जानकार की राय ले सकते हैं। सायकाल से रात्र काल तक एक छोटे छोटे आर्थिक दृष्टिकोण से महान हानि हो सकती है और स्वास्थ्य भी अति उत्तम रहेगा। और आज का दिन भविष्य के लिए कुछ करने को सोचें, सतर्कता बरतेंगे, नकारात्मक व अशंकारी विचार मन में आ सकते हैं और बिजनेस से जुड़े लोगों को धन आगमन होगा और पारिवारिक पूरे परिश्रम फल मिलेगा। अगर वहीं कहीं पैसा फंसा है तो मिलने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर जिन लोगों को कफ की समस्या है उन्हें ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचें। साथ ही ध्यान रखें कि किसी पर बेवजह क्रोध न करें। संतान की प्रगति को लेकर शुभ समाचार मिल सकता है। कुल संबंधित व अच्छी खबर मिलने की संभावना रहेगी और कार्य क्षेत्रों में नए विकल्प के बारे में विचार करेंगे और व्यापार में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा, शत्रुओं को हानि होगी, छात्राओं की प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होगी, यात्राओं में लाभ होगा। पारिवारिक आज से किसी आपको जिस तरह का सहयोग की उम्मीद है उस तरह का सहयोग भी मिलेगा और अतः आपकी राशि में सूर्य बुध एक साथ प्रवेश होने जा रहे हैं। जबकि आपकी राशि में बुध विक्रग्रत चलते हैं, इन स्थितियों में आपकी बुद्धि उल्टी सीधी कुछ काम कर सकती है। ऐसे में मन छोड़े नियंत्रण रखने के प्रयास करेंगे। सगे संबंधित व आपके संबंध मधुर होंगे। ढीले पड़े रिश्तों में प्यार व मजबूती देखने को मिलेगी और कार्य क्षेत्रों में अधिकारियों का सहयोग सम्मान प्राप्त होगा। प्रभाव व प्रतिष्ठा में लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में दान पुण्य में काम में आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक कार्य दान पुण्य होंगे और रुचि भी काम करेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। प्रेम प्रसंग दफ्तर जीवन में मधुरता भी बनी रहेगी। मित्रों, यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो